मोहतरम प्रिंसिपल साहब तशरीफ ले आए हैं, हम दिल की गहराइयों से इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। आज की इस तकरीबे सईद में मोहतरम प्रिंसिपल साहब और मेहमानान गिरामी को खुश आमदेद कहते हैं। टेक योर सीट। आगाज हुआ चाहता है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमान में खून बाकी नहीं है। तलावत कुरान मजीद के लिए हाफिज मोहम्मद अफनान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم। सलमान शाह और उनके साथियों को मैं दावत देता हूँ, खुदी का सिरे निहा ला इलाहा खुदी का सिर निहाला इल्ला इल्ला खुदी का सिर निहाला इल्ला इल्लल्लाह खुदी है तेरे फिसाला इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ज़याला इल्ला इल्लल्लाह। ये नगमा फसल गुलोला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलोला का नहीं पाबंद, बहार हो
के खिजान ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद व सलाम के लिए हारिस अली। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कबर दे आका आखनगे, विच कबर दे आका आखनगे, इनू छड़ दो ते मेरा ए अल्लाह। उम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह। उम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। लौह बे तो कलम भी तो तेरा वजूद अल-किताब, गुंबद-ए-आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोह, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरो। जर्रा रेग को दिया तूने तलूया फिताब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल-किताब। जमात नाहम के तालिब इल्म मिलाद को उसका मौजू है अल्लामा इकबाल और नौजवान। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है
मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का मौजू है इलामा इकबाल और नौजवान। हजरात मोहतरम इलामा इकबाल ने ऊँगती हुई मशरक़ की फ़िज़ा में आँख खोली जब पूरी कौम ख़्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। कौम को ख़्वाबे गना से बेदार करने और एक और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए एक मरबूत निज़ाम फ़िक्र की ज़रूरत थी जो कि कल्ब व नज़र में गर्मी पैदा कर सके। ये दुरुस्त था कि मुसलमानों के पास कुरान हकीम जैसा एक ज़ाब्ता हयात मौजूद था, लेकिन मुसलमानों ने इसको अपनी जहालत की बना पर कुरान हकीम की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया। इसकी वजह यह थी कि हमारी नौजवान नस्ल के सामने मगरब की तहजीब अपने अरूज पर थी, जिनमें चमक दमक भी थी और दिलावेजी भी। मुसलमान इस नई तहजीब को देख अपनी तहजीब को फरामोश कर बैठे। इलामा इकबाल मुल्क के नौजवानों की यह हालत देखकर फरमाते हैं, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। हजरात मोहतरम इलामा इकबाल मुल्क के जवानों को मगरबी तहजीब का दिल दादा देखते हैं तो वो ये फरमाते हैं, खुश तो हैं हम जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं हम जवानों की तरक्की से मगर, क्या खबर थी चला आएगा अलहाद भी साथ। सदर मोहतरम शायर मशरिक इस बात से गाफिल ना थे कि हिंदुस्तान में 8 करोड़ मुसलमान ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इकबाल ने चाहा और बड़ी शिद्दत से चाहा कि हमने इस ज़र्ब कलीमी सी इन जंजीरों को तोड़ डालना है और ज़माने की राख में दबी उन चिंगारियों को कुरेद कुरेद कर हवा देनी है। इकबाल फरमाते हैं, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन। शुक्रिया। देख क्या चाहता हूँ जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ, जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरे सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। निशान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। मोहतरम थजर और मौज़े सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे आपके सामने जिस मौजूए सुखन पर लबकुशाई की शहादत हासिल हुई है वो है इलामा इकबाल का मर्द मोमिन। हजरत ग्रामी इकबाल का मर्द मोमिन जलाल व जमाल का मजमूआ है और इस पर कुरान मजीद की गहरी छाप नज़र आती है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि इलामा इकबाल खुद एक बहुत बड़े मुफक्कर कुरान थे। वो लोग जिन्होंने आपको कुरान मजीद का मुतालिया करते हुए देखा है वो इस बात की शहादत हैं कि जब आप हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तिलावत कुरान पाक करते थे तो इन पर अल्फाज के मायनी व मतालिब इस तरह आया होते थे कि रब्बे ज़ुलजलाल के खौफ से इनकी आँखों से आंसू रवा हो जाते थे। किसी ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। जनाब आला इकबाल का मर्द मोमिन इश्क को अकल पर तरजीह देता है, जो इश्क ताबे अकल हो वो खाम गुर्दानता है, जो इश्क मुसलहत अंदेशी को बलाए ताक रख कर आतिश नमरूद में कूद पड़ता है
बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम भी। हज़रात ग्रामी, इकबाल का मर्द मोमिन दुनिया की रंगीनियों में उलझ कर नहीं रह जाता, बल्कि खुदी के ज़ोर से दुनिया पर छा जाता है। उसका दिल मोहब्बत रसूल और इश्क इलाही से शरशार और मादिया से मुबर्रा होता है, और उसका हर काम और फेल सुन्नत नबवी के आयन मुताबिक होता है और इस्लाम का पाबंद होता है। उसका दिल मोहब्बत रसूल और इसरार इलाही से शरशार होता है, और उसकी ज़ात रब्बे ज़ुलजलाल की ज़ात में फ़ना होती है। जब भी तो कहा था हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, का निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। बहुत शुक्रिया। तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो जमाना, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो जमाना, ये बुताने असर हाजिर के बने हैं मदरसा में, ये बुताने असर हाजिर के बने हैं मदरसा में, ना अदाए काफिराना, ना अदाए काफिराना, ना तराशे आजराना, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो जमाना, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो जमाना, मैं तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है शिकायते जमाना, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो जमाना, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो जमाना। दुआ की तलाश में रहा, दुआ की तलाश में रहा, दुआ को छोड़कर मैं चल न सका दुनिया में, ख़ताओं को छोड़कर हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कहे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकाँ को मैसर नहीं रोजी, उस खेत का हर खोशा गंदम को जला दो। जनाबे सदर और मोहतरम प्रिंसिपल साहेब और मुअज्जत असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने उस बुलंद पाया हस्ती का जिक्र करूंगा जो कहने को महज एक शायर लेकिन दर हकीकत एक अजीम फलसफी, बेमिसाल दानिश पर, बेपाया मुफक्कर और सबसे बढ़कर मुसव्वर पाकिस्तान। जी हाँ, अब दुरुस्त समझे, मेरा आज का मौजू है सुकन डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इनके नाम को तो पूरा बरस गिर जानता है। जी हाँ, अलामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, जिसको पाए तकमील तक हमारे अजीम लीडर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहुँचाया। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने ख्वाब में देखा आसमान से एक परिंदा उड़ता हुआ आकर उनकी गोद में बैठ जाता है। तीन दिन मुसलसल ये ख्वाब देखने के बाद आखिरकार 9 नवंबर 1877 को अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता किया जिसका नाम मोहम्मद इकबाल रखा गया। हाजरीन इकराम, इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो दौर मुसलमानों की बदहाली जबोहाली का दौर था। इकबाल न सिर्फ एक अजीम इंसान थे बल्कि इसके साथ साथ बरसगीर के मुसलमानों के एक दर्द दिल रखने वाले अजीम रहनुमा और उनके सुनहरे मुस्तकबिल के जामन भी थे। आपने शम्मा जलाकर बरसगीर के मुसलमानों को एक सुनहरे मुस्तकबिल का रास्ता भी दिखाया। आपकी तमाम तर शायरी हकीकत में कुरान की तगीर है। आप शायर मशरिक कहलाए, पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के शायर होने का एजाज भी हासिल किया। खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख,
कोला जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हजरते ग्रामी अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बरसगीर के मुसलमानों के लिए बेलोस जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। आपने अपनी मशहूर तसानीफ बांगे दरा, बाले जिब्राइल, प्यामे मशरिक और जरबे कलीम के जरिए बरसगीर के सोए हुए मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगाया। वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरआन होकर। जनाबे वाला, आपने 1930 में अलाहाबाद के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में वाजिया तौर पर पाकिस्तान का तस्वुर पेश कर दिया। काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेत्याग भी लड़ता है सिपाही। जनाबे सदर अलामा मोहम्मद इकबाल, वो बूढ़े, नौजवान या बच्चे, आपका कलाम सुबह से शाम तक मुख्तलिफ अदारों में किसी न किसी शक्ल में पढ़ाया जाता है। अलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में अलाहाबाद के मुकाम पर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया, मगर अफसोस 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 के अलामा मोहम्मद इकबाल अपने ख्वाब को पूरा होते हुए ना देख सके। अल्लाह ताला अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को रोशन फरमाए। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ मुख्तरम मुअक्कर प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, मेहमानान ज़ी वक़ार, अज़ीज़ तलबा, के इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए सिर्फ खुमैनी के हम मरहून मन्नत नहीं हैं, बल्कि इमाम खुमैनी से ज़्यादा असरात अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की शायरी के हैं इनकलाब ईरान में। तो वो कहने लगे कि हम इसीलिए हमारे खुमैनी से भी बढ़कर जो हमारे मोहसिन अजीम हैं वो हज़रत इकबाल हैं। प्यारे बच्चों, मेहमाना ने गिरामी, और 75 साल के बाद भी जिस कौम को अल्लाह ने इकबाल जैसा शायर लीडर दिया हो, वो कौम 75 साल के बाद आज भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के दहलीज पर ठोकरें खा रही है। यही वो कौम थी जिसको इकबाल ने गुंबदे खजरा की जानिब मुतवज्जे किया था। प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी डायरेक्शन किस सिमत चली गई। मगर इकबाल कहता है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। मेरी, मुझे वहाँ की यूरोप की जमिस्तान ने मुझे मरूब नहीं किया, इसलिए कि मेरी अम्मा ने, मेरे अब्बा जान शेख नूर मोहम्मद ने जब मुझे यूरोप के लिए तालीम के लिए रुख्सत किया था तो मेरी आंखों में जो सुरमा लगाया था वो नजफ अशरक और मदीना तैयबा की खाक का सुरमा था। यही वजह है कि वहाँ की तहजीब मगरब मेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।